नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानिक मित्तल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारी स्काई ब्लू की फॉगर किट के बारे में। कहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं, किट में आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे आपको इसको लगाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम हमारी किट को खोल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किट में ये हमारा मेन कंट्रोल यूनिट है, इसके ऊपर हमारा 100 GPD का पंप लगा हुआ है, उसका एडाप्टर है और ये हमारा साइक्लिक ऑन ऑफ करने के लिए टाइमर लगा हुआ है। और इस किट में यहाँ पे आउटपुट दी गई है और यहाँ पे इनपुट दी गई है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली पुश फिट पाइप लगाना है और यहाँ से आपको पानी की इनपुट दे देनी है और ये आपकी आउटपुट है। यहाँ से आपको आगे फॉगर लगाते जाना है। इस किट में नीचे फिल्टर भी दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा फिल्टर है। दोस्तों ये आरओ वाला फिल्टर है, इसमें एक लगता है स्पन फिल्टर, इसको खोल के हम इंस्टॉल कर लेते हैं। स्पन फिल्टर को आपको बिल्कुल मिडल में अलाइन करना है और इस पे टाइटन कर देना है। बाकी इस किट के साथ आपको क्या मिलता है, 1/4 इंच का, 50 फुट, 100 फुट, 150 फुट अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग साइज मिलेगा आपको पाइप का। और ये हमारे फॉगर है। और फॉगर के साथ साथ आपको एक स्टॉपर भी मिलता है जो लास्ट में आपको लगा के पाइप का पानी बंद कर देना है। और बाकी इसमें आपको जॉइंटर भी मिलते हैं, अगर कहीं से आपको पाइप को ज्वाइन करना है तो वहाँ पर आप ये लगा सकते हैं। बाकी आपको इसके साथ टाइलॉक्स मिलते हैं, ये आपको पाइप को हैंग करने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है, आप डायरेक्टली ऊपर से हैंग कर सकते हो जिप टाई लॉक लगा के। बाकी आपको इसके साथ ऑप्शनली गेट वॉल सेट भी मिलता है, अगर आप दोस्तों पानी पाइप से डायरेक्टली इसको सप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप 1/2 इंच की पाइप में ये गेट वॉल सेट लगा के पानी दे सकते हैं इसको। इसके साथ आपको एक पाइप कटर भी मिलता है, ये पाइप कटर दोस्तों स्पेशली ये वाली पाइप काटने के लिए ही आता है, इससे पाइप बिल्कुल सीधी सीधी और परफेक्टली कट जाती है और कोई भी लीकेज का चांस नहीं रहता। आप प्लीज़ पाइप इसी कटर से इस काटें। और ये आपको गिट्टी और पेच मिल जाते हैं ये किट को हैंग करने के लिए। चलिए दोस्तों इसको हैंग करके हम पाइप लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने किट हैंग कर लिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट मेंशन्ड है, तो यहाँ पे हमें इनपुट पानी की पाइप लगानी है, तो हम सिंपली पुश फिट पाइप ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम पानी अपनी बकेट से उठा रहे हैं, तो हमने पाइप डायरेक्टली बकेट में फेंक दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिटिंग वाली पाइप से पानी देना चाहें आप, तो उसके लिए हमारे पास ये गेट वॉल सेट है, ये भी किट के साथ ऑप्शनल मिल जाएगा आपको। तो अगर आप फिटिंग वाली पाइप से पानी देना चाहते हैं तो आप उसके साथ ये गेट वॉल सेट जोड़ के इसमें पाइप लगा सकते हैं। अभी हम आउटपुट वाली पाइप में पाइप लगा के आगे फॉगर्स की फिटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हम फॉगर लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। फॉगर लगाते हुए आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 4 से 6 फुट पे, इतनी डिस्टेंस पे आप फॉगर्स लगाएं। या फिर आपको ये देखना है कि जितने आपके पास पशु हैं कम से कम 1 से 2 फॉगर हर पशु को मिले। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे अराउंड 5 पशु है, तो हम 10 फॉगर यहाँ पे लगा रहे हैं। तो हमें पाइप को अराउंड 5-5 फुट की दूरी पे काट लेना है और उसके बाद हमें बस फॉगर लगाते जाना। दोस्तों ध्यान रखें कि आप पाइप काटते हुए सिर्फ इसी कटर को यूज करें, क्योंकि ये कटर बिल्कुल सीधा सीधा पाइप काटता है, तो लीकेज का कोई चांस नहीं रहता। ये कटर आपको किट के साथ ही मिलता है। दोस्तों अभी हम लोगों ने आउटपुट वाली पाइप में ये पाइप लगा दी है, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा और यहाँ पे इसी पाइप पे हमें फॉगर लगाते जाना है। आपको किट के साथ ये जिप टाइज दी गई हैं, ये पाइप को ऊपर बांधने के बहुत ही ज्यादा काम आती है। Thank you.
दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो पाइप है इसको आपको सिंपली बस इसमें पुश करना है, ये कम से कम इतना पाइप इस टी के अंदर जाएगा। जैसे ही पूरा अंदर चला जाता है आपको फील हो जाएगा कि प्रॉपर ये पाइप लग गया है। दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो सारे फोगर फिट करने के बाद पाइप के लास्ट में आपको ये स्टॉपर लगाना है जो आपको किट के साथ ही दिया गया है। तो दोस्तों हमने अभी पूरी किट इंस्टॉल कर ली है और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इनपुट पाइप है जो कि बकेट में जा रहा है और यहाँ पे अभी हमारा आउटपुट पाइप है जिसके आगे हम लोगों ने फोगर लगाए हुए हैं। और इस पूरे प्रोसेस में दोस्तों हमें अराउंड आधा घंटा लगा और हमने पूरी किट को इंस्टॉल कर दिया है और अभी हम किट को ऑन करके इसको टेस्ट करके देखते हैं। अभी हमने किट को ऑन कर दिया है और जैसे कि आप देख सकते हैं सारी नोजलें अच्छे से चल पड़ी हैं और ये नोज़लें दोस्तों बहुत ही अच्छी मिस्ट बना रही हैं, बहुत ही फाइन मिस्ट बना रही हैं। इतने बारीकी से पानी को फेंक रही हैं कि पानी बिल्कुल भी गीला भी नहीं कर रहा और टेम्परेचर भी गिराता है। इससे पशुओं को दोस्तों गर्मियों में बहुत ही अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है, गर्मी भी नहीं लगती और गीले भी नहीं होते। दोस्तों हमने अपनी किट में यूज़ किया है स्काई ब्लू का डिजिटल ऑन ऑफ टाइमर। दोस्तों ये टाइमर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक मेंस का आउटपुट प्लग लगा हुआ है, इसमें आपको सिंपली अपने मिस्टिंग सिस्टम का प्लग लगा देना है और यहाँ पे मोड्स दिए गए हैं जैसे 1 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट। इनमें से आप कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकते हो और अगर आप लेफ्ट पे सिलेक्ट करते हो तो उतनी देर वो ऑन रहेगा और राइट वाला उतनी देर ऑफ रहेगा। जैसे कि हमने सिलेक्ट किया हुआ 5 मिनट ऑन और 5 मिनट ही ऑफ। अभी अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं अभी क्या करेगा ये टाइमर, 5 मिनट ऑन रखेगा और 10 मिनट के लिए ऑफ रखेगा। तो ऐसा ये साइक्लिक मैनर में करता जाएगा, तो 5 मिनट ऑन और 10 मिनट ऑफ, 5 मिनट फिर से ऑन, फिर से 10 मिनट ऑफ, ऐसे चलता जाएगा ये टाइमर। इसकी वीडियो हम लोगों ने एक सेपरेटली भी बना रखी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो लोगों को किट इंस्टॉल करने के टाइम पे आती है वो है ये फिल्टर लीकिंग की। दोस्तों ये जो फिल्टर है इसमें एक स्पन फिल्टर होता है, उसको आपको बिल्कुल सेंटर में अलाइन करना है और जो इसमें सीलिंग रिंग होती है उसको आपको बिल्कुल रिंग की प्लेस पे रख के पूरा टाइट कर देना है। इसको टाइट करने के लिए आपको किट के साथ ही एक SOR की मिलती है, जैसे कि ये चाबी जो हमने दिखाई हुई है इसको आप फिल्टर में डाल के घुमा के पूरा इसको टाइट कर सकते हो और फिर लीकेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। दूसरी प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलती है वो है नोज़ल लीकिंग की। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे नोज़ल पानी गिरा रही है, तो हम इसको नोज़ल को टाइट कर देंगे जिससे कि पानी गिराना ये बंद कर देगी और प्रॉपर मिस्ट बनाने लग जाएगी। दोस्तों तीसरी कॉमन प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलेगी वो है कि जब हमारी मोटर पानी नहीं खींच पाती, वो यूजुअली इसी वजह से होता है कि जब हमारी जो इनपुट की पाइप है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही लंबी इनपुट की पाइप रखी हुई है हमने, तो इतनी लंबी पाइप में से जो मोटर है वो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पाती कि वो पानी खींच ले। अगर आप बाल्टी उठा के या पाइप अगर छोटा करके एक बार मोटर को पानी दे दो तो उसके बाद मोटर पानी खींचना स्टार्ट कर देती है और बिल्कुल भी नहीं रुकती। वीडियो में दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस किट को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसकी शिपिंग ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।